चैप्टर एनिमल किंगडम चैप्टर फोर, दिस इज चैप्टर फोर ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी. इन दिस लेक्चर टुडे वी गोइंग टू डिस्कस रेप्टिलिया. Reptilia is the class of vertebrata, chordata. Previous lectures में discuss किए थे invertebrates and Pisces, amphibia. मैं फिर से एक series जो order है सबका आपको बता देता हूँ, शायद याद हो जाए बोलने से. Invertebrates के अंदर सबसे पहले discuss किए थे Porifera, Cylindrata, Platyhelminthes, Eschehelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca एंड इकानोडर्मेटा. इनको इसी सीरीज़ में याद रखना है, इसी सीरीज़ में याद करना है. ये मैंने पहले भी बताया आपको, क्योंकि ये सीरीज़ एवोल्यूशनरी बेसिस पर है. किसका एवोल्यूशन कब हुआ, पहले किसका एवोल्यूशन हुआ, बाद में किसका एवोल्यूशन हुआ, इस बेसिस पर ये सारे नाम यहाँ दिए हैं. नेक्स्ट इसके बाद में डिस्कस किया था हेमिकॉर्डेटा. हेमिकॉर्डेटा के बाद में कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा के अंदर साइक्लोस्ट, एक नेथोस्टोमेटा एंड नेथोस्टोमेटा. एक नेथोस्टोमेटा मीन्स ए मीन्स एबसेंट, गनेथा जॉज, स्टोमेटा स्टोमा माउथ. तो जिनके माउथ में जॉज एबसेंट थे, नेथोस्टोमेटा जिनके माउथ में जॉज प्रेजेंट थे. नेक्स्ट इसके अंदर साइक्लोस्टोमेटा को रखा था एक नेथोस्टोमेटा के अंदर, और गनेथोस्टोमेटा के अंदर पाइसीज एंड टेट्रापोडा. पाइसीज जिनके फिन्स थे, टेट्रापोडा जिनके चार पैर थे, फोर लिम्स प्रेजेंट. तो जब बात करें पाइसीज की, तो उसके अंदर क्वांडिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज. क्वांडिक्थीज कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्टिक्थीज बोनी फिशेस, एंड देन टेट्रापोडा. टेट्रापोडा में जो फर्दर क्लासेस थी, ये टेट्रापोडा इज अ सुपर क्लास, पाइसीज इज अ सुपर क्लास, एंड द क्लासेज ऑफ टेट्रापोडा आर एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एव्स एंड मैमल्स. सिंपल सा मैंने आपको क्लासिफिकेशन पूरा बताया अभी, जो पहले डिस्कस किया था और अभी डिस्कस कर रहे हैं. तो यहाँ पर टॉपिक है रेप्टीलिया. रेप्टीलिया के अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं क्रीपर्स, जो क्रिपिंग क्राउलिंग करते हैं. तो यहाँ पर सिंपल क्रीपर्स आएंगे. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्रीपर्स हैं, क्रिपिंग करते हैं, उनकी बात यहाँ करेंगे. तो जितने भी रेंगने वाले हैं, जिनके एक हैवी टेल होती है, उन सबको रेप्टीलिया के अंदर रखा है. रेप्टीलिया में जनरली आपने स्नेक्स देखे होंगे. स्नेक्स आर दी मेंबर ऑफ रेप्टीलिया. जितने भी रेप्टाइल्स हैं, तो रेप्टाइल्स की अगर बात कर रहे हैं, तो सारे रेप्टाइल्स पॉइजनस नहीं होते. अगर बात कर रहे हैं पॉइजन की रेप्टाइल्स में, तो ओनली स्नेक्स ऐसे हैं जिनमें पॉइजन होता है, और वो भी सारे नहीं. कुछ स्पीसीज़ हैं स्नेक्स की जो पॉइजनस होती है, लेकिन जब पाइथन की बात करते हैं, वो अभी नॉन पॉइजनस होता है. लिजार्ड है, और जैसे आपके क्रोकोडाइल, एलिगेटर, तो ये सब भी नॉन पॉइजनस है. इनमें किसी में भी पॉइजन नहीं होता. हाँ, लिजार्ड की स्किन में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पास के पॉइजन ग्लैंड है, बाइट करेगी तो पॉइजन बॉडी में चला जाएगा. स्नेक की तरह ऐसा नहीं है. स्नेक के पास में पॉइजन ग्लैंड होती है, जिनसे वो पॉइजन आपके बॉडी में ट्रांसफ़र इंजेक्ट कर सकता है. बट ऐसा नहीं है कि सारे स्नेक्स पॉइजनस होते हैं. एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी. क्रीपर्स हैं. अब जब आप बात करते हैं क्रोकोडाइल या एलिगेटर की, या टर्टल भी इसमें आते हैं, तो टॉर्टोइस टर्टल की जब बात करते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये भी एम्फीबिया की तरह वाटर में भी रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है. लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है. जब हम रेप्टिलिया की बात करते हैं, तो ये टेरेस्ट्रियल हैं. रेप्टाइल्स आर टेरेस्ट्रियल. हाँ ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, रह सकते हैं, बट जब बात कर रहे हैं तो सिंपल सा कैरेक्टर, ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं. इनके पास में फिन्स नहीं होते स्विम करने के लिए. जैसे सारे वैसे स्विम नहीं कर रहे, टेरेस्ट्रियल ही हैं, जैसे लिजार्ड है और स्नेक्स हैं, तो ये सब टेरेस्ट्रियल हैं. लेकिन जब बात कर रहे हैं एक्वेटिक, जो हैबिटेट में भी रह सकते हैं, लेकिन उनके पास फिन्स नहीं हैं, इसलिए ये पाइसिस से अलग है. इनकी बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट होती है, एम्फीबिया की बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट नहीं होती. तो इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए एम्फीबिया से भी अलग है.
तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये एम्फीबिया की तरह है, पानी में रह रहे हैं, वाटर में एक्वेटिक भी हैबिटेट है इनका, लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं है इनके अंदर। इनकी एक हैवी टेल होती है, ये कैरेटिन का हो सकता है। हैवी टेल प्रेजेंट, तो एक हैवी टेल इनके प्रेजेंट होती है जो क्रिपिंग करती है, जो रेंगती है जब ये चलते हैं। याद करें आपने कभी डायनासोर्स को देखा हो तो, एक्चुअल तो नहीं देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, इमेजेस में देखा होगा, तो जो डायनासोर्स हैं तो डायनासोर्स के एक हैवी टेल होती है, तो जब वो चलते थे तो वो पीछे उनके क्रिपिंग करती थी, रेंगती थी। टीथ प्रेजेंट होते हैं इनके, एक्सटर्नल ईयर पोर एब्सेंट होता है, ईयर का कोई पोर नहीं होता, ईयर की ओपनिंग एब्सेंट होती है, बट हाँ कंडीशन ये है इनमें टिम्पेनम प्रेजेंट होता है। टिम्पेनम प्रेजेंट होता है इनके अंदर। नेक्स्ट इनके अंदर अगर बात करें, स्केल्स की बात कर ही लिए, यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं ये, इनमें ओवीपैरस हैं ये, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वल स्टेज एब्सेंट है, तो मैं यही लिख देता हूँ डायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वल स्टेज एब्सेंट है। सिंपल से कैरेक्टर्स हैं, पहले पढ़ चुके हैं, यूनिसेक्सुअल है यानी मेल फीमेल अलग अलग है, ओवीपैरस है, अंडे देते हैं, एगलाइंग करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन अकर इन दी बॉडी ऑफ फीमेल, डायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स लार्वल स्टेज एब्सेंट, और कुछ सिंपल कैरेक्टर जो सब में डिस्कस करते हैं, लिखने की जरूरत भी नहीं है, पहले बता चुके हैं। सिलोमेट है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये तीन कैरेक्टर चल ही रहे हैं और आगे भी चलेंगे इसी तरह से, इन्वर्टिब्रेट के बाद यही कैरेक्टर सब में, और काफ़ी सारे इन्वर्टिब्रेट्स में भी यही कैरेक्टर्स फॉलो हो रहे हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल, सिलोमेट एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट, या ये कह सकते हैं इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट, और इनकम्प्लीट मिलेगा हार्ट इनमें, तो हार्ट कुछ इस तरह का होगा, सिंपल सा। ये तो फ्रॉग का हार्ट हो गया, नीचे होती है जो पाइपलाइंस हैं जा रही पूरी बॉडी में, ब्लड को ला रही है, वो सारा है इसके अंदर, सिंपल हार्ट की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो यहाँ पर दो एरोटा प्रेजेंट है, एक दो इसके एट्रियोल्स हैं, एक दो एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है, तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, बट कंडीशन इसमें ये भी है कि थ्री चैम्बर्ड हार्ट तो है लेकिन ये इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड भी इसको कह सकते हैं, तो फोर चैम्बर्ड बनना स्टार्ट हो गया। बट जब बात करते हैं क्रोकोडाइल की, एलिगेटर की, तो उसके अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है जैसा बर्ड्स में और मैमल्स में होता है, तो ये इवोल्यूशन को शो कर रहा है। तो सिंपल सी, इसमें जब इनकम्प्लीट थ्री चैम्बर्ड हार्ट की बात कर रहे हैं, इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट की, तो इसमें दो एट्रियम है और वेंट्रिकल प्रेजेंट है, जिनमें सेप्टा, इनकम्प्लीट सेप्टा प्रेजेंट होता है, कम्प्लीट सेप्टा नहीं होता। इनमें अपनी स्किन रिलीज करने का भी एक कैरेक्टर मिलता है, अपनी स्किन शेड कर देते हैं, ये स्नेक्स में मिलता है जनरली, जैसे इंसेक्ट्स मोल्टिंग करते हैं उसी तरह से स्नेक्स भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में अपनी स्किन को शेड कर देते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं रेप्टाइल्स के जिनको यहाँ पर डिस्कस किया है।